2019 में आम चुनाव में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी को साथ लाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन राज्य में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कांग्रेस की नीतियों पर जोरदार हमला बोला था। वहीं पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई ने पार्टी आला कमान से वकालत की है कि तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन न किया जाए, जबकि वाम दलों से दोस्ती बढ़ाने की पैरवी भी की गई है। कांग्रेस और टीएमसी में आ रही खटास ने एक बार फिर महागठबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इकाई ने पार्टी आला कमान को 21 सुझावों वाली एक रिपोर्ट सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी से गठजोड़ न किया जाए। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव ओपी मिश्रा ने बताया कि उनकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें न सिर्फ 2019 बल्कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस को कैसे हराया जाए इस पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य कांग्रेस इकाई का मानना है कि ममता बनर्जी से गठबंधन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी की मुखिया ऊपर से तो बीजेपी को कोसती है, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों के बीच दोस्ती का खेल चल रहा है। लिहाजा गठबंधन में टीएमसी को साथ ना लाकर वाम दलों को साथ लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राज्य में माकपा के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के खिलाफ नहीं है। वही राजनीतिक पार्टी ने अपने सुझावों में राजनीतिक मोर्चे के लिए फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और 50,000 स्वयंसेवक तैयार करने की भी सलाह दी है। इधर पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। ममता ने कहा था कि कांग्रेस दिल्ली में तो बीजेपी को कोसती है, लेकिन राज्य में उसी से हाथ मिलाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।